उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने ऋषिकेश में महारैली का आयोजन कर सीधे तौर पर प्रदेश की धामी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार को ललकारा है। स्वाभिमान महारैली में हजारों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सहित हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महारैली में नशा नहीं रोजगार चाहिए, जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी जैसे नारों की गूंज रही। इसके अलावा सुन लो दिल्ली देहरादून हमें चाहिए भू कानून जैसे नारे भी लगाए गए। इसके अलावा लोगों ने ढोल दमाओं की मधुर धुनों पर थिरकते हुए अलग अंदाज में विरोध जताया। जमीन हमारी नहीं चलेगी धौंस तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप एक जन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भले ही राज्य में भू कानून लाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीएम धामी के इस ऐलान से लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश की सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। स्वाभिमान महारैली में भू कानून संघर्ष समिति ने उत्तराखंड में मूल निवास 1950, सशक्त भू कानून, प्रदेश में बढ़ते नशे पर रोक और अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऐलान किया कि अब हम अपनी आवाज को प्रदेश भर तक नहीं बल्कि दिल्ली तक लेकर जाएंगे। महारैली में शामिल लोगों ने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर भू माफिया जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सरकार ने जिस काम के लिए बाहरी लोगों को जमीन दी थी, वो लोग हमारी जमीनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाए, हमारी जमीनों को उद्योग के लिए केवल लीज पर दिया जाए। इसके साथ ही युवाओं के लिए उनके उद्योगों में उनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसा भू कानून पूर्वोत्तर राज्यों में बनाया गया है, वैसा ही कानून हमें उत्तराखंड के लिए चाहिए। हम इस रैली को उत्तराखंड में बदलाव की लहर देख रहे हैं। ये लोग लड़ना जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं, इससे उत्तराखंड की तरक्की होगी। और स्वाभिमान रैली है तो भू कानून सरकार को मान लेना चाहिए। वैसे हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने पहले कह दिया भू कानून आएगा, तो प्रदेश के खुशहाली के लिए भू कानून जरूरी है और हम तन मन धन से भू कानून के पक्ष में है। और इस जो इसके कर्णधार है जिन्होंने शुरुआत की उनके साथ है। प्रदेश में भू कानून और मूल निवास को लेकर जारी लड़ाई के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू किए जाने के पक्षधर हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उत्तराखंड का करीब 70% क्षेत्र वन भू भाग वाला है। सीएम धामी भी भू कानून और मूल निवास के बारे में अच्छे सोच विचार करके ही कानून बनाएंगे। क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है इस उत्तराखंड राज्य की, यहाँ लगभग 70% तो बड़ी क्षेत्र है, हमारे केवल 30% ही भू भाग है जिसमें हमारा मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है, जिसको हम किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं ये बहुत जरूरी हमारे लिए। तो मैं सोचता हूँ इस पर मुख्यमंत्री जी से हम भेंट करें। आपको बता दें कि धामी सरकार भू कानून में नए और सख्त प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किए जाने को लेकर प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। धामी सरकार अगले बजट सत्र के दौरान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदेश में भू कानून लागू करेगी। धामी सरकार भू कानून के 2017 में किए गए नियमों और प्रावधानों में बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार का मानना है कि 2017 के भू कानून में तय किए गए नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में धामी सरकार अपने नए भू कानून में न सिर्फ नए नियम और शर्तें लागू करेंगे बल्कि पुराने भू कानून के कई प्रावधानों को बदला भी जा सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी लोगों की मांग है कि कानून बनाने से पहले ड्राफ्ट को जनता के बीच रखा जाए, जनता की राय के आधार पर ही भू कानून को लागू किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि भू कानून संघर्ष समिति की मांगों को धामी सरकार मानती है या नहीं, क्योंकि प्रदेश में अब सशक्त भू कानून की लड़ाई काफी तेज हो गई है।
क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को अब सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।